आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी मैं बहुत ही बिजी हूँ, अभी मैं काम में लगी हुई हूँ और अभी दीपावली का समय है तो उसी का सफाई चल रहा है अभी, तो मैं वही कर रही हूँ। तो अभी देखिए मैं टीवी में छठ सॉन्ग भी लगा करके और अपना गाना सुन रही हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, खुशी हो रहा है और मन भी लग रहा है काम करने में तो अच्छा लग रहा है। और कृष्णा बेबी भी देखिए पूरे घर का सफाई वो भी कर रहा है और मैं भी कर रही हूँ, वो भी कर रहा है, सो के उठा है और अभी खाना खाया है, उसके बाद ये सफाई में लग गया मम्मा के साथ। तो जब सो के उठा था तो मैं बाकी काम कर ली थी घर का और अभी मैं फिर कर रही हूँ, उठ गया उसके बाद फिर इसको खिलाई हूँ, उसके बाद ये भी बोल रहा है मम्मा मैं भी तुम्हारे साथ काम करूँगा, तो इसीलिए। और मना कर रही हूँ तो मान भी नहीं रहा, जिद कर रहा है क्योंकि जानते हैं बच्चे सब तो जिद करते हैं कि जो भी बड़े लोग करते हैं वही करना अच्छा लगता है, बच्चे लोग को पसंद आता है। तो पूरे घर में मैं जितना झोल साफ की हूँ वो भी मेरे साथ पीछे पीछे झोल साफ किया है ये और मान ही नहीं रहा है। तो चलिए मैं भी सफाई करती हूँ और अभी बाकी है सफाई करना। और अभी मैं खाना बना ली हूँ और चाय में पी थी और अभी नाश्ता भी कर ली हूँ लेकिन अभी खाना नहीं खाई हूँ। और अभी टाइम हो चुके हैं, अभी टाइम 12 बजने को है तो लेट हो चुका है मेरा, अभी तो शाम हो जाएगा, काम करते करते शाम हो जाता है, थोड़ा सा अभी टाइम नहीं मिल रहा है बैठने के लिए आराम करने के लिए। पहले था है कि दोपहर में आराम भी कर लेते थे, अभी तो एक मिनट आराम नहीं मिलता है। कृष्णा बेबी दोपहर में सोता है तो उसके बाद मैं जिस सारा सोचती हूँ कि अपना काम को मैं निपटा लूँ तो बहुत ही अच्छा होगा, नहीं तो बच्चे को लेकर काम करना बहुत ही मुश्किल है, कठिन है। जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं वो लोग तो जान ही सकते हैं कितना मुश्किल काम है काम करना, तो इसीलिए उनको तो टाइम ही नहीं मिलता तो सब कुछ अकेले मुझे ही करना पड़ता है। और देखिए इसका शैतानी भी शुरू हो चुका है, अपना सफाई में लग गया है, ये देखिए क्या कर रहा है बेबी, सफाई कर रहा है, पूरा घर को साफ कर देगा तुम, कृष्णा बेबी पूरा घर को साफ कर देगा बोल रहा है, एक भी गंदा नहीं छोड़ेगा वो साफ कर। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे दीपावली का तैयारी कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, मुझे बताइएगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। और अभी तो मेरा बहुत ही काम बाकी है, अभी मेरा किचन बाकी है, रूम सब हो चुका है और ये डाइनिंग हॉल ये सब बाकी है, अभी सजाना भी बाकी है, अभी बहुत काम है। तो चलिए फ्रेंड्स अपना काम कर लेती हूँ मैं जल्दी जल्दी, नहीं तो काफ़ी लेट हो जाएगा। और कृष्णा बेबी को अभी नहलाना धुलाना भी है, वो अभी सो कर उठा है तो अभी नहाया नहीं है, उसको नहलाना बाकी है। तो चलिए सबसे पहले बच्चों का काम कर लेती हूँ, उसके बाद में सारा घर का काम, बीच में रेस्ट भी हो जाता है, बच्चों का भी काम हो जाता है और घर का भी काम हो जाता है, दोनों काम हो जाता है। तो चलिए मैं कर लेती हूँ।
यहाँ पर ऊपर गंदा हो चुका है क्योंकि ये तो डेली नहीं हो पाता है ना, एक दो महीना में करना पड़ता है और डेली तो हो नहीं पाता, बहुत ही मुश्किल है बच्चों के घर में करना, तो इसीलिए। और वहाँ पे तो मेरा नीचे बिस्तर भी लगा होता है तो वो भी बहुत ही मुश्किल काम है, तो इसीलिए मैं दीपावली में सारा टोटल अच्छे से मैं साफ़ कर ली हूँ पूरे घर को। और वो देखिए सोफ़ा को लेकर के इधर उधर करके खेल रहा है अपना, मैं बहुत ही मना भी कर रही हूँ कि मतलब गंदा में मत आओ, तो वो मान भी नहीं रहा है देखिए। और मैं जल्दी जल्दी अपना काम निपटाने के चक्कर में लगी हुई हूँ कि जल्दी से काम को मैं ख़त्म करूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग तो जान ही सकते हैं दीपावली में कितना सारा काम हो जाता है, कोना कोना का साफ़ करना पड़ता है तभी न लक्ष्मी माता आएंगी खुश होंगी, तो अच्छा भी लगता है, फील भी बहुत ही अच्छा लगता है, आनंद आता है कि चलिए मेरा घर एकदम साफ़ हो गया है, और करना भी चाहिए, तो इसीलिए बहुत ही टाइम लग जाता है साफ़ सुथरा करने में। तो यहाँ पर देखिए इसका शैतानी कैसे चालू हो चुका है, और उसको मैं मना करके अंदर रूम में जा करके बंद कर दी हूँ कृष्णा के डैडी के साथ कि जा तुम अंदर ही खेलो, मैं अपना इधर काम जल्दी से ख़त्म कर लेती हूँ नहीं तो और भी लेट हो जाएगा। और यहाँ पे बेड बिस्तर में लगाती हूँ तो यहाँ पे भी मैं पोछा लगा ली हूँ अच्छे से, तो उसके बाद मैं यहाँ पे बिस्तर को बिछा दूँगी सूख जाएगा, तो चटाई बिछा करके और गद्दा को मैं डाल दूंगी, इससे है कि गद्दा नीचे गंदा भी नहीं होगा और ख़राब भी नहीं होगा, तो अच्छे से हो जाएगा। और यहाँ पे मैं सोफ़ा को सेट कर दे रही हूँ, सब अच्छे से निकाल करके साफ़ की थी, तो अंदर से भी बहुत ही कृष्णा बेबी सब मतलब ऐसे तो डेली झाड़ू लगाते ही हैं लेकिन हल्का फुल्का तो गंदा रह ही जाता है, पूरा अंदर तक तो करना ही पड़ता है। तो ये देखिए पर क्या होता है बालकनी का गेट है तो यहाँ पर धूल आते रहता है तो गंदा हो जाता है, इसीलिए यहाँ भी साफ़ करना पड़ता है, तो यहाँ पर भी देखिए मैं साफ़ कर दे रही हूँ और यहाँ भी चमचमा जाएगा तो देखने में अच्छा लगेगा दीपावली के दिन।